जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं कंपैरिजन करूँगा होंडा की नई बाइक होंडा एक्स ब्लेड 160 और टीवीएस अपाचे 164V। दोनों ही बाइकें नई आई हैं और काफ़ी जो है लोगों का ये मेरे से क्वेश्चन है काफ़ी इस बारे में कि भाई कौन सी बाइक जो है ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों मैं आपको जो आप चाहते हैं जो जो पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकली आप लाइफ में यूज आते हैं आपके बहुत ज़्यादा आपको जिसके बारे में पता होना चाहिए तो उन्हीं पॉइंट्स में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं दोनों ही बाइकों को कंपेयर करूंगा लुक्स के मामले में। देखिए लुक्स चॉइस होती है अपनी अपनी कि किसको कुछ चीज़ पसंद आती है किसी को कुछ चीज़ पसंद आती है, लेकिन मुझे पर्सनली जो अपाचे 164V है वो ज़्यादा बेहतर लगती है लुक्स के मामले में और मुझे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन उसका लगा है। होंडा एक्स ब्लेड का डिज़ाइनिंग अच्छा है लेकिन मुझे थोड़ी ओवर मतलब बाइक को थोड़ा ओवर कंपनी ने बना दिया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है किसी किसी एंगल से मुझे ऐसा लगता है कि बाइक ज़्यादा ओवर कंपनी ने कर दी। तो लुक्स के मामले में अपाचे 164V को यहाँ पर विनर समझता हूँ। सेकंड कंपैरिजन में मैं कंपेयर करूँगा दोनों के हैंडलिंग का और अगर आपको सही मायने में बहुत अच्छी हैंडलिंग चाहिए एक बेटर अग्रेशन वाली हैंडलिंग चाहिए बहुत अच्छी उसकी हैंडलिंग होनी चाहिए तो आप जाइए फिर अपाचे की तरफ। हैंडलिंग के मामले में भी आपको अपाचे ज़्यादा बेहतर लगेगी। अगर आपको एक अग्रेसिव हैंडलिंग चाहिए और आपको थोड़ी स्पोर्टी टाइप की हैंडलिंग चाहिए तो आप अपाचे की तरफ जाइए, ठीक है ना। तो हैंडलिंग के मामले में भी अपाचे दोबारा से यहाँ पे विनर हो जाती है। थर्ड दोस्तों आता है इंजन का परफॉर्मेंस। देखिए अब अपाचे की सबसे बड़ी कमी ये थी 160 की कि अपाचे में वाइब्रेशन बहुत होती थी और 164 में वाइब्रेशन बिल्कुल ही खत्म हो गई। ये बहुत ही बढ़िया कर दिया टीवीएस वालों ने और वाइब्रेशन है ही नहीं मतलब ना के बराबर है बिल्कुल बहुत हल्की हल्की वाइब्रेशन आपको महसूस होगी 164 में, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन यहाँ खत्म कर दी। होंडा एक्स ब्लेड का इंजन का रिफाइनमेंट लाजवाब है लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ अगर आपको पावर की बात करूँ तो पावर क्योंकि अपाचे 164 में ज़्यादा है तो आपको परफॉर्मेंस जो है अपाचे का ज़्यादा बेहतर मिलेगा। रिफाइंड इंजन है दोनों का थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड है एक्स ब्लेड का लेकिन ओवरऑल मुझे अपाचे का इंजन ज़्यादा पसंद आया। वो वजह है उसकी एक्स्ट्रा पावर और उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ भी अपाचे दोबारा से जीत गई है, ठीक है ना। अब चौथी बात मैं करता हूँ दोस्तों माइलेज की। अब यहाँ पर अपाचे थोड़ा सा पीछे रह गई है वो इसलिए क्योंकि एक्स ब्लेड का जो माइलेज है वो आप आराम से 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर का ले सकते हैं अगर आप सही तरीके से बाइक को चलाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जब भी मैं आपसे माइलेज की बात करता हूँ तो आप ये ध्यान रखें कि माइलेज की कुछ कंडीशंस होती हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने माइलेज के बारे में सभी कुछ बताया है वो वीडियो आप चेक करिए। अगर आप वो सब चीज़ें करते हैं तो माइलेज आपको बेस्ट मिलेगा। तो मैं जब भी आपसे माइलेज की बात करता हूँ तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर करता हूँ कि किस स्पीड में आपको बाइक चलानी चाहिए, मेंटेनेंस आप बाइक का अच्छे से रखें और उसको रैश ड्राइविंग ना करें, अच्छा पेट्रोल डलवाएं, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं माइलेज को टेस्ट करता हूँ। उसके बाद जो सही माइलेज आता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मैं एक्सब्लेड की भी मैं आपसे बात कर रहा था, माइलेज के मामले में एक्सब्लेड यहाँ जीत जाती है। एक्सब्लेड होंडा एक्सब्लेड का जो माइलेज है वो आपको 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर का मिल सकता है, आराम से मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं अपाचे 164V की तो आपको अपाचे 164V का जो माइलेज मिनिमम मिलेगा वो मिलेगा 42 किलोमीटर पर लीटर का और मैक्सिमम माइलेज आपका 46-47 किलोमीटर पर लीटर का आपको मिल जाएगा। तो माइलेज में अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आप लीजिए होंडा एक्स ब्लेड। माइलेज के मामले में होंडा एक्स ब्लेड विनर है यहाँ पर। नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों इनका ब्रेक और इनके फीचर्स वगैरह मैं आपसे बताता हूँ। तो मॉडल्स की अगर हम बात करें तो अपाचे में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक, ड्यूल डिस्क ब्रेक, फ्यूल इंजेक्शन तीनों ही चीज़ें मिल जाती हैं, ABS का ऑप्शन नहीं है। लेकिन होंडा एक्स ब्लेड में सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल डिस्क ब्रेक से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ भी अपाचे मेरे हिसाब से विनर है। और दोस्तों लास्ट आती है प्राइस की बात। तो प्राइस के मामले में अगर मैं बात करूँ होंडा एक्स ब्लेड की तो आपको लगभग ऑन रोड में प्राइस बता रहा हूँ दोस्तों ध्यान रहे, तो लगभग आपको जो प्राइस है वो लगभग 92,000 रुपये के करीब ऑन रोड आपको मिल जाएगी। और वहीं पे टीवीएस अपाचे जो है आपको लगभग 90,000 रुपये से लेकर और 1,00,000 रुपये तक की कीमत में आपको मिल जाएगी। डिपेंड करता है कौन सा मॉडल उसका लेते हैं।
अगर आप सिंगल डिस्क ब्रेक लेते हैं तो 90,000, अगर डबल डिस्क ब्रेक लेते हैं तो 94,000 95,000 रुपये के लगभग, और अगर आप फ्यूल इंजेक्शन वाला मॉडल लेते हैं अपाचे का तो आपको लगभग 1 लाख रुपये कीमत में अपाचे 164V मिल जाएगी। दोस्तों सभी चीजें कंपेयर करते हुए देखते हुए सब चीजों को अगर मैं देखूं सब चीजों को मिलाऊं तो ओवरऑल मेरे हिसाब से TVS अपाचे 164V जो नया मॉडल आया है वो बिल्कुल विनर है। होंडा एक्सब्लेड से बहुत ज्यादा बेहतर बाइक मुझे लगती है। होंडा एक्सब्लेड एक अच्छी बाइक है लेकिन कहीं कहीं मुझे कुछ उसमें कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी। ना ही तो पूरी तरीके से स्पोर्टी बाइक बनाई है कंपनी ने, ना ही वो एक इकोनॉमी मतलब एक नॉर्मल बाइक बनाई है, उसको कहीं बीच में छोड़ दिया है। कहीं कहीं हमें पावर की कमी महसूस होती है, कभी उसके लुक्स में कुछ को बहुत अच्छा लगेगा कुछ को एक मतलब एक बैलेंस्ड लुक मुझे नहीं लगा। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि अगर मेरी ये पर्सनल राय है, हो सकता है कुछ लोगों को एक्सब्लेड भी पसंद हो, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि TVS की अपाचे 164 भी बहुत ही बढ़िया बाइक है। अपाचे ने TVS वालों ने बहुत ही बढ़िया बाइक लॉन्च की है और हर चीज पे मुझे मुझे बाइक अच्छी लगती है। तो मेरे हिसाब से TVS अपाचे RTR 160 विनर है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी सवाल दोनों बाइकों से रिलेटेड हो या कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। तो दोस्तों बस आज की वीडियो यहीं तक थी। जय हिंद। अपने आसपास सफाई रखिए, अपने देश को साफ सुथरा रखिए दोस्तों, और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय।